बिकॉज ऑफ रशियन रेगुलेशंस। तो रशियन रेगुलेशंस का मेन कॉजेस क्या था? तो नंबर वन, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ ज़ार। वहाँ पर किंग को ज़ार कहा जाता है, तो दैट इज़ ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ ज़ार। सेकेंड पॉइंट है कंडीशन ऑफ द पीसेंट। थर्ड, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज। फोर्थ वन, कंडीशंस ऑफ द वर्कर इन इंडस्ट्रीज। एंड फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। अब ये तो फाइव मेन कॉज है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ते हो तो दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके पहले आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, सो आई एक्सप्लेन एंड कंपेयर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस विद द रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे कि लुईस 16 ने अमेरिकन वेयर को सपोर्ट करते हुए काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया था, और वही पैसा वसूल किससे किया था? कॉमन पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाकर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो कौन राजा थे? ज़ार निकोलस सेकंड। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एम्पायर को नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप के साइड में बढ़ाते चले गए, और उसके चलते काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, जो कि इन्होंने कॉमन पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब कॉमन पब्लिक के ऊपर जब टैक्स बढ़ेगा तो वो तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही, और वो अंदर ही अंदर रेगुलेशन की तैयारी करने लगे ज़ार के अगेंस्ट में। इन 1914 द रशियन एम्पायर एम्परर वाज ज़ार निकोलस सेकेंड। ही फॉट ए नंबर ऑफ वॉर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन द नॉर्थ एंड वेस्ट इन यूरोप। ही हैड बॉर्न द एक्सपेंडिचर ऑफ वेयर बाय टैक्सेसिंग द कॉमन पीपल ऑफ रशिया। जो वेयर का एक्सपेंडिचर था वो उन्होंने किस पर थोप दिया? कॉमन पीपल के ऊपर। यही उन्होंने सबसे बड़ा गलती की। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है कंडीशन ऑफ द पीसेंट। मेजोरिटी ऑफ द रशियन वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। मेजर पार्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स एंड कलेक्टिंग, एंड दिस पीसेंट वर्क एज फार्मर ऑन डेली वेजेस। दे वेर पेड लेस एंड वर्क मोर, समटाइम्स अंडर डेप्थ, एंड दे वेर नॉट इवन पेड वेजेस। तो आप अगर रशियन रेगुलेशन को फ्रेंच रेगुलेशन के साथ कंपेयर करते तो यहाँ पर भी करीब करीब सेम ही कंडीशन था। जो किंग थे, नोबल पर्सन थे, कलेक्टिव थे, वो सारा कुछ कब्जा कर लिए थे, और जो 80% किसान थे वो उनके ज़मीन पे काम करते थे एज ए लेबर, और उनको ठीक तरह से वेजेस भी नहीं दिया जाता था, सैलरी भी नहीं दिया जाता था, और उसके साथ साथ कभी कभी तो वो कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब जाते थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ था। तीसरा आता है स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर एक नया प्रोग्राम था कि यूरोप में बहुत सारे इनोवेशन हुआ, आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुआ, उसके साथ साथ इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुका था। अब इंडस्ट्री बढ़ने से, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन द पॉकेट्स, पर्टिकुलर एरिया में ही इंडस्ट्री डेवलप किया था। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरिया वॉज सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटूक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट्स वर्कशॉप।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। तो ये हुआ कि यूरोप में जैसे जैसे डिस्कवरी और इन्वेंशन बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत तेज़ी से डेवलप होता गया। अब इंडस्ट्रियल एरिया तो डेवलप हुआ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड एरिया में ही था और पर्टिकुलर जगह पे ही था, और ये स्पेशली था पीटरबर्ग और मॉस्को। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो फैक्ट्री के ओनर थे वो अपना प्रॉफिट तो ले लेते थे, लेकिन लेबर को बहुत अच्छा पेमेंट नहीं करते थे। अब इसी के चलते फोर्थ कंडीशन आ जाता है कि कंडीशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिस्ट। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था। गवर्नमेंट सुपरवाइज फैक्ट्री वर्किंग आवर्स एंड वेजेस ऑफ द वर्कर, बट स्टिल रूल वर ब्रोकन। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वर्कर को बेस्ट सैलरी देने की भी कोशिश करता था और फैक्ट्री का वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड किए थे, लेकिन कहने के लिए रूल था, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ये रूल फॉलो नहीं होता था। वुमेन वर्कर वर आल्सो पेड लेस देन मैन। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप। जो वुमेन्स वर्कर रहते थे, वो वुमेन्स वर्कर जो थे उनको बहुत सैलरी कम दिया जाता था इन कंपेरेटिवली टू द मेन वर्कर। कुछ फार्मर को छोड़ के और कुछ जो मेंबर थे, जो अच्छे मेंबर थे और वर्कर थे, उन लोगों ने एसोसिएशन बना चुके थे जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करता था अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम या कभी कोई परेशानी आ जाते थे। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी एसोसिएशन फॉर्म होने लगा। फिर कॉज क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, ये सबसे बड़ा कॉज था। अंदर ही अंदर कॉमन पब्लिक तो परेशान थे ही थे, वो राजा के अगेंस्ट विद्रोह करना ही चाहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ मिला? पॉलिटिकल पार्टी बनने से। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914 के पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी था वो इलीगल घोषित हो चुका था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्सिस्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था उसी को वो लोग फॉलो करते थे। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट सीक्रेटली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रिक्टली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। तो गवर्नमेंट तो इसको नहीं मानते थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में ये पार्टी ने क्या किया कि बड़े बड़े स्ट्राइक करने लगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपने लगा और वर्कर को मोबालाइज करने, रैली निकालने लगे और फ्लैग अपना पहचान के लिए अपना एक फ्लैग बना लिए और उससे वो रैली निकालने लगे। उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा। इससे भी समाज को जागरूकता मिला और रैशनल रेगुलेशन का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था।